मरी भी नहीं है, वो जिंदा है, उसकी सांसें चल रही, और ये सबके सब मार रहे हो सिर। अरे राम, मतलब ये ऐसे क्या करते हैं, मतलब कि एक घायल होगी तो मतलब सब काटने शुरू कर दी थी उसको, अब उसके पंख वगैरह सब काट दिए। तो मैं इनको इनके स्थान पर रख देती हूँ। और एक छोटे से काना हमारे यहाँ भी हैं, इनको हमें रोज झूला झूलाना पड़ता है इस तरह से। गाइस, हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 9:30 गाइस, और मुझे करनी है सबसे पहले पूजा, क्योंकि मैं नहा भी गई हूँ, और आज मम्मी लोग भी घर पर नहीं हैं, मम्मी लोग कहीं गए हुए हैं, मम्मी पापा जी, तो पूजा मुझे ही करनी है अभी। और अभी काफ़ी काम पड़ा हुआ है जो मुझे करना है किचन में, और बच्चे अभी यहाँ पर खेल रहे हैं दोनों, आरोही कुकू। आरोही आजकल घर आई हुई है छुट्टियों में, दिल्ली वाली दीदी की बेटी। और अभी इन दोनों ने ब्रश नहीं किया है, मुँह हाथ धोया है, ये बस अभी तो ऐसे खेल रहे हैं यहाँ बैठ के। तो सबसे पहले जो मेरा काम है मैं वो कर लेती हूँ, पूजा, एंड उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं गाइस। और ब्रेकफास्ट बनाने वाले हमारे बैठे हैं कुक। बेबी तुम नाश्ता बनाने वाले हो ना, ठीक है, मैं जब तक पूजा करूंगी तब तक तुम नाश्ता बना लेना प्लीज। मैं निकल रहा हूँ, मुझे काम है, मैं निकल रहा हूँ, आके करूंगा। तो पहले मैं नाश्ता ही बना लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूंगी गाइस। तो पहले पेट पूजा, फिर काम धोजा कुछ ऐसी। सबसे बड़ी बात गाइस ये है कि अगर घर पर सब होते हैं या छुट्टी रहती है पर, तो ये क्या नाश्ता आराम से बन जाता है। तो अभी इनको जाना है तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो अभी ये लेके आए हैं ब्रेड, और मैं बना लेती हूँ साथ में ऑमलेट, तो खा लेंगे ऐसी। तो ये मैंने ऑमलेट कर दिया तैयार, और बेबी यहाँ पे सेक रहे हैं ब्रेड। तो जब तक ब्रेड सेकते हैं तब तक मैं फटाफट से ऑमलेट बना। तो ये तैयार हो गया हमारा ऑमलेट। ऐसे उछालो जैसे कुक उछालते हैं, छत में जाके चिपक जाएगा अंडा। फैंटास्टिक, वैसे भी कट करके ही खाना है। ब्रेड का नक्शा तो बदल गया। सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बॉर्नविटा तैयार कर देती हूँ, और साथ में उनको ब्रेड भी दे देती हूँ। ये हो रहा है यहाँ पे नाश्ता। मजा नहीं आ रहा, खाते खाते भी मजा नहीं आ रहा है। चलो भाई, तो इनका जब तक नाश्ता होता है तो तब तक मैं कर लेती पूजा। चलो बेटे तुम लोग नाश्ता करो, ठीक है। पूजा के लिए ऑलरेडी लेट भी हो गई है, मम्मी होती तो अभी तक पूजा भी हो जाती कभी की, क्योंकि टाइम भी आप 10 बज चुके हैं। तो मैं सबसे पहले लाइट ऑन करती हूँ, और अभी दूध भी यहीं है, जो दूध भी मुझे गर्म करना है, तो मैं दूध गर्म करके रख दूँगी। अगर ये ऐसी रहेगा तो ये फट जाएगा, तो पहले करते हैं पूजा। तो कान्हा जी को भी नहलाना है, और पूजा का कमरा मम्मी जी ने सुबह ही साफ़ कर दिया था, कालीन वगैरह बिछा दिया था। मुझे सिर्फ पूजा करनी है, और ताज़ा पानी भी मम्मी ने भर दिया है यहाँ पर। तो पहले नहलाते हैं कान्हा जी को, फिर करते हैं पूजा। तो ये रहे हमारे कान्हा जी। तो कान्हा जी की सबसे पहले निकालेंगे हम माला। जय हो बंसीलाल, जय हो कन्हैया, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो गाइस कान्हा जी को तो रोज ही नहलाना पड़ता है, भोग भी रोज लगाना पड़ता है। भोग में मम्मी जी सिर्फ चीनी रखती हैं, और कभी लड्डू हो जाते हैं, इस तरह से कुछ भी मीठा होता है तो भोग कर लेती कान्हा जी को। तो ये कान्हा जी को नहला दिया हमारे प्यारे जी कान्हा जी। तो कान्हा जी को पहनाने वाली हूँ मैं ये वस्त्र,
तो ये है कान्हा जी का कमरबंद जो मैं इनको बांधने वाली हूँ। तो ये हो गई कान्हा जी की माला जो मैंने पहना। ये है कान्हा जी का मुकुट। तो ये हो गए हमारे कान्हा जी तैयार नहाकर। तो गाइस कमेंट्स में बताइएगा कि हमारे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। तो मैं इनको इनके स्थान पर रख देती हूँ और एक छोटे से कान्हा हमारे यहाँ भी हैं, इनको हमें रोज झूला झुलाना पड़ता है इस तरह से गाइस। तो ये है लड्डू गोपाल की खासियत, झूला झूलना। पूजा करते करते मुझे 11 बज चुके हैं और भूख भी काफ़ी तेज़ लग रही है। कई कई बार ऐसा जाता है भाई बड़े तुझे। सबने नाश्ता कर लिया है, मैं बच्ची फिलहाल नाश्ता करने के लिए, मुझे काफ़ी भूख भी लगी है। तो जब तक नीचे दूध उबल रहा है तो मैं फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ। तो 11 बज चुके हैं और मैं कर लेती हूँ नाश्ता क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी है। तो मैंने ब्रेकफास्ट में अपने लिए तैयार कर लिया है कॉफ़ी एंड ब्रेड और ऑमलेट। तो कर लेते हैं फटाफट से नाश्ता। गाइस मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, मैं यहाँ नाश्ता कर रही थी और मेरी नज़र अभी एकदम गई थी इसमें एक्चुअल में, तो वहाँ पर एक मछली मर गई है और सारी मछलियाँ उसको खा रही है वहाँ पर, मतलब इतनी बुरी तरह ना। मतलब यही होता है इसमें, अगर कोई मछली अगर घायल होगी या मर गई ना तो ऐसा होता है कि सारी मछलियाँ उसको खा लेती है। क्योंकि जब मैं अभी घर गई थी एक हफ्ते के लिए तो इसमें एक मछली बिल्कुल गायब थी, मतलब दिखी नहीं थी, इतना सा अंग नहीं दिखा भाई उसका और बिल्कुल गायब। अब मैं भूली गई कि इसमें एक थी उसमें, जबकि तीन थी इसमें ऑरेंज कलर की, मैं भूली गई थी कि इसमें एक और भी थी। तो हमारी तीन मछलियाँ गाइस मर चुकी हैं और अभी जस्ट बेबी ये नहीं लेके आए थे और ब्लैक वाली भी इसमें ना मर गई, लेकिन नज़र अभी गई। मतलब क्या हो रहा है, मतलब एक एक करके मर रही है। और पता है काफ़ी इतने साल हो गए ना, इतने साल से मतलब ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा था। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखो सारी मछली कैसे कर रही है। देखो गाइस जो ऊपर तैर रही है ना, देखो वो मर चुकी है, वो भाई मर गई वो बेचारी, मरी भी नहीं है, वो जिंदा है, उसके सांसें चल रही और ये सबके साथ मार रहे हो सिर। अरे राम, मतलब ये ऐसे क्या करते हैं, मतलब कि एक घायल होगी तो मतलब सब काटने शुरू कर देती हैं उसको, अब उसके पंख वगैरह सब काट दिए। देख रहे हो गाइस कैसे काट रहे उससे। अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि जो मैं इसको अलग पानी में भी रखूँगी तो ये अलग पानी में भी कैसे रहेगी, क्योंकि साथ ही रहने वाली होती है, सब साथ ही रहती है। गाइस इसके सांसें भी चल रहे, देखो ये भी जिंदा है, ये बेचारी भी जिंदा है और सब काटने आ रहे हैं इसको, मतलब सब मार रहे इसको यार। अरे राम, मैं इसको ऊपर भी नहीं ले सकती, पानी में ही रखा हुआ है मैंने इसे। पता है गाइस ये हमारी चौथी मछली जो बेचारी मर गई है, ये भी बेचारी लास्ट सांसें गिन रही है अपनी। देखो यार इतना बुरा लगता है ना, मतलब हम इनको पालते इतने प्यार से बचपन से, इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है ये, जबकि ये वाली नहीं है, ये अभी लेके आए थे, अभी इन्हें एक हफ्ता ही हुआ है अभी, इनका जोड़ा है। अब मैं इसे पानी में कैसे छोड़ दूँ इनको, इनको खाने के लिए, ये तो सब काट रहे इसे यार। कहाँ चली गई,
सब के सब इतने हराम हो गए ना, तुम अपने साथी को मतलब छोड़ते नहीं किसी को भी, सबको खाते हो, चैन नहीं तुम्हें बिल्कुल भी। ये करना क्या चाह रहे, ये करना क्या चाह रहे, ये तो इसके पीछे पड़े, इसी के साथ की है देखो गाइस, वो दो थी वो, अब ये इसी तरह भाग रही थी वो भी, दो तीन दिन पहले मैंने देखा उसको, ये सब ऐसे कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भागते और काटना शुरू कर देते हैं। ये देखो ये जो छोटी वाली है, ये किसिंग फिश, ये वाली, ये इस पर अभी हमला कर रही भाई, ये देखो, ये देखो क्या कर रही यार ये, बताओ दुनिया में इंसान को तो शांति नहीं है, तो जानवरों को भी शांति नहीं है। अरे राम जी को ये ऊपर आ गई बेचारी, अरे यार, और अभी इसके साथ से चल रही, इसको मैं उसे मैं निकाल भी सकती ना पानी से बाहर। कितनी बुरी बात है, मतलब हमारी तो चार मछलियाँ मर गई हैं और पापा जी की भी छह मछलियाँ मर गई हैं, पापा जी ने जो ऊपर रखी हुई हैं बड़ी किस्त, पता नहीं क्या हो रहा, मतलब कि रोज एक ना एक 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 करके मर रही मतलब मछलियाँ ना, और कहते हैं कि मछलियाँ मरना भी ख़राब होता है कि, मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी चीज़ होने के लिए होती है तो ये चीज़ें अपने ऊपर बला ले लेती, हमारे ऊपर जो बला आने के लिए होती है वो मछलियाँ अपने ऊपर ले लेती हैं गाइस, पर फिर भी बुरा लगता है ना क्योंकि पाली हुई चीज़ें हैं और इस तरह से मर जाती हैं, चलाया सच में। अब मैं टिमी के लिए ये ब्रेड लेके आई हूँ ऊपर, ब्रेड आमलेट, तो मैं इसको देती हूँ खाने के लिए। टिमी आ नहीं रही बिल्कुल भी, ये क्या है, सुबह का ब्रेकफास्ट मैं खाऊंगी, नहीं खाना, खाना आजा आजा टिमा, चल इसमें दूंगी डोंगी में खाना, इसमें खाना है, चल खा ले, तू भी खा, तू भी मजे ले ब्रेड और आमलेट के। खा ले, सब खाएगी, प्याज व्याज सब खाती है, सब खाती है ये तो, चल फटाफट खा ले, फिर पानी डालूंगी इसमें, जल्दी खा ले। ब्रेड नहीं खा रही, अरे घी लगाया हुआ ब्रेड में भाई, ये भी बहुत तेज हो गई ना, मतलब आमलेट खा लिया और ब्रेड इसी में छोड़ दी, क्यों छोड़ी इसमें ब्रेड, घी है उसमें लगा हुआ, घी से सेकी हुई है, देख तो ले टिमी भाई, बड़ी तेज है, खा लेगी, खाएगी खाएगी सब खाएगी अभी, खा चल उसको, जल्दी खा, हाँ खा, पर पानी दूंगी इसमें, खाना नीचे ही है, खाएगी नीचे रख के, चल ला मेरे को दे दे ब्रेड, ला टिमी, ये आ गया पानी, खाने के साथ चाहिए हमें पानी, चल खा ले ब्रेड, क्यों नहीं खा रही, कितने नखरे हो रहे इसके हैं, रोज रोज सर क्यों धोते हो आप, कल भी तो धोए थे अपने बाल हैं, चलो पढ़ाई करना ठीक है, आरोही दीदी को बोलो पढ़ाई कर लो, कहना जो बच्चा कुछ होमवर्क है आपका, क्यों क्या हुआ, टी शर्ट छीन रही थी, अरे तो क्या हुआ, टी शर्ट छीन रही थी, ये भी कोई बात हुई, बोलो मैं ये पहनूंगी, तो क्या हुआ बेटा, आपको पहनना था ये, तो ये आपको पहनना था तो कोई नहीं दूसरी वाली दे दो, क्या हुआ, नहीं दूसरी वाली बोल रही थी मुझको ये पहननी है, तो दे देते आप दूसरा पहन लेते ना, मैं मुझको नहीं पहनना, मेरे पास कोई टी शर्ट भी नहीं है अच्छी अच्छी, अबे ये क्या बात हुई, इतनी सारी टी शर्ट पड़ी हुई आपके पास, गंदी तो इसलिए लगती है ना क्योंकि आप गंदे बने रहते हो, अच्छे बनोगे कपड़े भी अच्छे लगते हैं फिर, बताओ क्या नखरे हो रहे हैं इन बच्चों के, वो आ रही तो कर रहे पढ़ाई क्योंकि एक हफ्ता रह गया कुकू का स्कूल खुलने के लिए, तो लगभग सारा होमवर्क कर लिया है, बस मेंटल में तो मैथमेटिक्स का मैथ कर रखा है, तो उसको मैंने कहा फटाफट कर ले, पूरी छुट्टियाँ इंजॉय कर ली है, पूरी मस्ती मार ली है और होमवर्क अभी तक भी निपटा, मतलब पूरा एक महीना, तो उसको भाई मैंने बोल दिया फटाफट से होमवर्क कर ले अपना फिनिश, क्या मैं निकालती हूँ, एक मैंने मुझे पहले ढक्कन, मुझे ढक्कन हटाने दो उसका, ये ना हाँ निकाल दी, ये थोड़ा थोड़ा पानी में रख उसको,
हाँ ऐसे रख उसको, ऐसे रख, अगर पानी से बाहर आ जाएगी तो एकदम मर जाएगी। मैं अलग कटोरी लेके आऊँगी, कटोरी में रखेंगे इसको। ये लो ये कटोरी, इसमें रखना। नीचे रख, नीचे रख। अरे अभी थोड़ी जान है, पूरे पंख तो सारे काट दिए उन्होंने इसके। अकेली हो जाएगी, इसकी फ्रेंड्स थी वो साथ में। क्या सब के सब चिपक गई थी उसे काटने के लिए। ये देखो अभी इसके सांस चल रही है, सही टाइम पे निकाल दी ना। पर ये बची की कहा, लेकिन ये क्योंकि पता नहीं घायल होगी, नहीं मुझे लग रहा है कल बहुत तेज तेज घूम रही थी। पूछ कट गई उसकी सारी, देख तो सारी पूछ काट। गाइस हमने इसको अलग निकाल दिया बाउल में। बच्चे बच्चे बहुत देर से परेशान हो रहे थे, देख के कह रहे थे कि मम्मी निकाल देते हैं इसको कि काट रहे होगी, क्योंकि ये साइड में फिल्टर के बिल्कुल कोने में थी ताकि मुझे और मछलियां जा भी नहीं थी उसके पास। हाँ अब इसकी थोड़ी सांसें चल रही, तो गाइस हमने इसको अलग निकाल ही दिया। अब ये अगर इसको मरना होगा तो ये ऐसी मर जाएगी, कम से कम उनसे छुटकारा तो मिल गया। उसको काट रही थी, उसको चूंट रही थी, दर्द भी हो रहा होगा, निकाल दिया। ऐसे डराना पड़ता है, ये इतने बहुत बिगड़े हुए ये बच्चे, कैसे भागे उल्टे पांव। आया मजा। तो दो बज चुके हैं गाइस, और खाना भी बन चुका है लगभग, चावल की तैयारी है, और अभी फिलहाल दाल वगैरह भी रखी है छोकर, तो थोड़ी देर दाल वगैरह बनती तो फिर वक्त से खाना खाते हैं, क्यों लेट हो गया। बन गया और दाल मैंने यहाँ बना छोक के रख दी है, थोड़ा पकने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। पिज़्ज़ा का सामान ला के रखा हुआ है कल से, लेकिन पिज़्ज़ा भी बनाया ही नहीं है, तो बच्चे काफ़ी टाइम से पीछे पड़े हुए कि पिज़्ज़ा बनाओ पिज़्ज़ा बनाओ, तो देखते हैं शायद शाम को पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो फिलहाल अभी पहले हम ठंडा पीते गए। हेलो फ्रेंड, जूस पी लो। ये हो गए हमारे चावल, राजमा की दाल और सलाद, और बच्चे लोग यहाँ पर बैठे हैं। कहाँ चले गए कुकू? चलो खा लो आपकी फेवरेट दाल बनी हुई राजमा, पूरे पूरा फिनिश करना, ठीक है बेटा। चल रही है मस्ती, वो परेशान हो जाती है टिम्मी। टिम्मी के ऊपर पोयम बन गई, बनाना आथू बनाएगा पूरी पोएम टिम्मी के ऊपर, बना दे जरा आथू टिम्मी के ऊपर पोएम। टिम्मी बनकर सबको बिना मतलब के काटू। वाओ कोई रीडर राइम नहीं बनी। टिम्मी तेरे ऊपर पोएम बन रही। अब इनका गेम शुरू हो गया है, ग्रैनी गेम। चलो चलो टिम्मा, वो डब्बे में था ना प्लास्टिक के। ग्रैनी आ गई, ग्रैनी देख कैसे आ रही हो, देखिए 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 देख ग्रैनी। ग्रैनी तो बड़ी तेज मारती है, दम करके मारती है। मैं आ गई हूँ छत से नीचे, और बच्चे कर रहे हैं अभी पढ़ाई, और खाने की भी तैयारी करनी है अभी। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कमेंट में बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा गाइस, और सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।